IIT ICT एग्जाम, यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर एग्जाम, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए क्लियर करना मैंडेटरी होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेड फंड शाला की NSM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन वाली वीडियो सीरीज की सक्सेस के बाद अब हम आपके लिए IIT ICT एग्जाम की भी सीरीज लेकर आए हैं। इस वीडियो सीरीज में हम IIT ICT एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो सके। अगर आप पिछले चैप्टर्स की वीडियोस और मॉक टेस्ट को देखना चाहते हैं तो ऊपर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया, जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपये तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सनलाइफ AMC को भी थैंक यू करना चाहूँगा। आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षत गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो आई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम IIT ICT एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं चैप्टर 18 यानी कि इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। एज पर गाइडलाइंस एन इंश्योरेंस कंपनी हैज टू प्रोसेस एन इंश्योरेंस प्रपोजल विद इन डैश, द ऑप्शंस आर 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज या फिर 45 डेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 15 डेज। सो एज पर गाइडलाइंस इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस प्रपोजल प्रोसेस करना होता है विद इन 15 डेज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस द प्रीमियम पेमेंट इज मेड बाय चेक, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू। द ऑप्शंस आर द रिस्क मे बी अज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच द चेक इज पोस्टेड, द रिस्क मे बी अज्यूम्ड ऑन द डेट विच द चेक इज पोस्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, द रिस्क मे बी अज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच द चेक इज रिसीव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, द रिस्क मे बी अज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच द चेक इज इश्यूड बाय द प्रपोजर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो चेक पेमेंट के केस में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड का रिस्क तब से कंसिडर करेगी जब उनका चेक पोस्ट हुआ है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू वारंटी, द ऑप्शंस आर अ वारंटी इज अ कंडीशन विच इज एम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड इन द पॉलिसी, अ वारंटी इज अ कंडीशन एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द पॉलिसी, अ वारंटी इज अ कंडीशन एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द पॉलिसी एंड कम्युनिकेटेड टू द इंश्योर्ड सेपरेटली एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इफ अ वारंटी इज ब्रीच्ड द क्लेम कैन स्टिल बी पेड इफ इट इज नॉट मटीरियल टू द रिस्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अ वारंटी इज अ कंडीशन एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द पॉलिसी। वारंटी एक तरह की कंडीशन होती है जो कि पॉलिसी पेपर्स में अच्छे से एक्सप्लेन होती है, साथ साथ वारंटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट का ही एक पार्ट होती है और इसे अलग से नहीं इशू किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी नीड टू बी मॉडिफाइड एट द टाइम ऑफ इशुएंस, इट इज डन बाई सेटिंग आउट द अमेंडमेंट्स थ्रू डैश, द ऑप्शंस आर वारंटी, एंडोर्समेंट, ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशंस आर नॉट पॉसिबल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एंडोर्समेंट। पॉलिसी इशू करते हुए अगर इंश्योरेंस कंपनी को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज करना होता है तो वो एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट के थ्रू कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू रिन्यूअल नोटिस, द ऑप्शंस आर एज पर रेगुलेशंस देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन इंश्योरर्स टू सेंड अ रिन्यूअल नोटिस टू इंश्योर्ड 30 days before the expiry of the policy. As per regulations, there is a legal obligation on insurers to send a renewal notice to insured 15 days before the expiry of the policy. As per regulations, there is a legal obligation on insurers to send a renewal notice to the insured 7 days before the expiry of the policy. As per regulations, there is no legal obligation on insurers to send a renewal notice to the insured before the expiry of the policy. The right answer is option D. सो एज पर रेगुलेशंस इंश्योरेंस कंपनी पर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता इंश्योर्ड को रिन्यूअल नोटिस भेजने का पॉलिसी की एक्सपायरी होने से पहले। इंश्योर्ड को खुद ही याद रखना होगा कि उनकी पॉलिसी कब एक्सपायर होने वाली है और टाइम से उसे रिन्यू करवाना होगा। तो ये तो थे IIT ICT एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस के चैप्टर 18 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इन क्वेश्चन से लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप IIT ICT एग्जाम का एक मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। जेड फंड्स की बात करें, जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि टाइम टू टाइम जेड फंड्स बहुत से यूनिक प्रोडक्ट लेकर आता रहता है, जैसे कि डेली SIP, डेली इंटरेस्ट अकाउंट, फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन और डिजिटल गोल्ड जैसे।
ऑल्सो अगर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करें तो हम बहुत तेजी से अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम जल्द ही लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं। यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार फाइनेंशियल एडवाइजर, या फिर हमारी जेड फंड्स के एडवाइजर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंडशाला। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।